मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री जेमडोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 12, लक्ष्य भेदन। उनका साहित्य प्रकार है वार्तालाप। बच्चों, लास्ट टाइम इस चैप्टर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ये गुरु द्रोणाचार्य जो है, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप लोगों ने कैसे शिक्षा, मैंने जो शिक्षा दी है वो आप लोगों ने ग्रहण की है कि नहीं की है। उनके बारे में एक वृक्ष पे टंगी एक चिड़िया की जो है वो निशाना साधने की बात यहाँ पे की गई थी। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया था, युधिष्ठिर से पूछा गया था कि आप निशाना साधो, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने अपने हिसाब से जो दिख रहा था उनके बारे में बताया। फिर दुर्योधन की बारी आई, दुर्योधन को बताया कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन को अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि आपको वर्तमान से अधिक भविष्य की चिंता है, इसलिए आप रहने दीजिए, आप अभी नहीं कर सकते हैं। फिर अब बारी आती है भीम की। तो द्रोणाचार्य जी, गुरुजी है वो भीम को कहते हैं कि भीम तुम आगे आओ। भीम गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मैं एक बार में ही निशाना लगा कर चिड़िया को गिरा दूंगा, आज्ञा दीजिए। आप आज्ञा तो दीजिए, एक बार में ही मैं निशाना लगा कर चिड़िया को गिरा दूंगा। फिर द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने बताया, गुरुदेव सामने एक वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया टंगी हुई है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा, इसके अतिरिक्त और क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। चलो, वृक्ष को दिखाई दिया, उनके ऊपर टंगी चिड़िया भी दिखाई दी, और इसके अतिरिक्त तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने बताया, गुरुदेव वृक्ष पर लगे रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें तोड़कर खाने का मन कर रहा है। भीम तो वैसे ही खाने में अधिक रुचि धरा जो थी उनकी। सभी छात्र गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी इसे तो सहदेव फल मिठाई और भजन ही दिखाई देता है। सबने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि भीम तो पहले से ही खाने में अधिक रुचिवान था, खाना उसको ज़्यादा पसंद था। तो थोड़े खाने में तो उसका पेट नहीं भरता था, उनको अधिक चाहिए था, क्योंकि उनका शरीर भी बड़ा था। इसीलिए सभी छात्र ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसे तो सदैव फल मिठाई और भोजन ही दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने क्या कहा, द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा लगता है तुम्हें भूख लगी है, जाओ पहले भोजन करो, फिर लक्ष्य निशाना साधना, फिर तुम आना। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन अब तुम आगे आओ। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा कि अर्जुन अब तुम आगे आओ। तो वह धनुष बाण लेकर आगे आता है। अर्जुन जो है वो धनुष बाण लेकर आगे आता है। अर्जुन कहता है, आज्ञा दीजिए गुरुवर, मुझे क्या करना है। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है। सभी छात्रों को गुरुजी ने पूछा था, उन्हीं हिसाब से अर्जुन को भी पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन ने क्या बताया कि मुझे तो एक चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, इसके अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा कि इसके अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है कुछ। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे इस समय केवल चिड़िया की दाहिनी आंख और आंख में लगा हुआ लाल मोती ही दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है।
द्रोणाचार्य ने कहा, क्या तुम्हें वृक्ष पर लगे टहनियाँ और फल फूल नज़र नहीं आते हैं? वृक्ष पर लगे पत्ते टहनियाँ फल फूल ये सब तुम्हें नहीं नज़र आता है? गुरुजी ने सामने से अर्जुन को पूछा कि ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे चिड़िया की दाई आँख आँख के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त मुझे चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे तीर का निशाना केवल चिड़िया की आँख पर स्थिर है, आप आज्ञा दें तो निशाना साधो। गुरुदेव से कहा अर्जुन ने कि मेरा जो निशाना है वो सीधा चिड़िया की आँख पर स्थित है, अभी वहाँ पे स्थित रह गया है, जो आप आज्ञा दे तो मैं निशाना साधु निशाना लगाऊ। द्रोणाचार्य ने कहा, शाबाश वत्स, अब तुम बाण चलाओ, अब तुमने जो निशाना है वो सही लगाया है, सही साधा है, इसलिए तुम अब बाण तीर चलाओ। अर्जुन गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके बाण चलाता है, बाण सीधे चिड़िया की दाहिनी आँख में लगता है। सीधा बाण कहा जाता है चिड़िया की दाहिनी आँख पर सीधा तीर हो जाता है, वहाँ पर ही लगता है, जिसे चिड़िया की दाहिनी आँख में चिपका हुआ जो मोती था वो नीचे गिर जाता है। वह झुककर गुरुजी के चरण स्पर्श करता है, उनकी आज्ञा उनके आशीर्वाद प्राप्त करता है। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगाते हैं, अपने शिष्य प्रिय शिष्य अर्जुन को गले लगाते हैं और कहते हैं, शाबाश पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए, सभी राजकुमारों मेरे पास आओ। गुरुजी सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ ऐसा कहकर बुलाते हैं। सुनो, अर्जुन ने अपना तीर ठीक निशाने पर साधा है, अर्जुन ने अपना तीर ठीक निशाने पर साधा है, इसके अतिरिक्त उसका ध्यान इधर उधर की चीज़ों पर नहीं था, इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ है। आपको पता है कि अर्जुन का ध्यान कहाँ था? अर्जुन का ध्यान ठीक अपने निशाने पर ही साधा हुआ था, इनका ध्यान इधर उधर कहीं पर नहीं था, सीधा जहाँ पे उनको निशाना साधना था उसी दिशा में उन्होंने देखा था अर्जुन ने, तो इधर उधर की कोई चीज़ पर उनका ध्यान नहीं था, इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ है। समझे आप, अर्जुन क्यों सफल हुआ? क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर की चीज़ों पे नहीं था, जहाँ निशाना साधना था वहीं पर उनका ध्यान स्थित था, इसलिए वो परीक्षा में पास हुआ है। बच्चों, तुम सबका ध्यान लक्ष्य से इधर उधर लगा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें तीर चलाने से रोका। मैंने आपको तीर क्यों नहीं चलाने दिया? क्योंकि आपको इधर उधर की सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, जो अर्जुन को तो दिखाई नहीं दे रही थी, अर्जुन को तो सिर्फ निशाना ही दिखाई दे रहा था। मैंने आपको पूछा कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको आपने तो शब्द अलग अलग मुझे बताया कि वृक्ष दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, झाड़ियाँ दिख रही है, टहनियाँ दिख रही है, फल फूल दिख रहे हैं, खाने का मन कर रहा है भिन्न जैसे, तो ये सब तो वो लक्ष्य से उधर उधर ध्यान था ना, मतलब लक्ष्य पर ध्यान नहीं था सीधा, तो ये तो दूसरी बात हो गई। तो गुरुजी ने बताया कि इधर उधर लगा हुआ था, इसलिए मैंने आप सबको तीर चलाने से रोका था। राजकुमारों, एक बात सदैव याद रखो, जो व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही लक्ष्य को भेद कर
सफलता प्राप्त करता है। जिसका ध्यान अपने लक्ष्य के साथ साथ अन्य चीजों में भटकता है उसकी सफलता में संदेह रहता है। जिनका ध्यान भी इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में, अन्य चीजों में जो भटकता है उसको सफलता में संदेह रहता है। उनको सफलता प्राप्त मिले और ना भी मिले, ये एक संदेह रहता है। अर्जुन ने यह परीक्षा अपनी एकाग्रता के कारण उत्तीर्ण की है। अपने ध्यान केंद्रित से, एक स्थिर नजर से उन्होंने अपनी ये जो परीक्षा है वो सफल की है। अपने ध्यान केंद्रित एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, वो है चिड़िया की आंख, और उसने अपनी जो परीक्षा है वो सफल कर ली। तो आप सब अगली परीक्षा की तैयारियां करो। सभी राजकुमार गुरुदेव के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आपने हमारी आंखें खोल दी, आज से हम सब प्रत्येक कार्य को पूरी एकाग्रता ध्यान से करेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, आयुष्मान भव। सबको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमार आशीर्वाद लेकर वो अपने अपने निवास की ओर चल पड़े। राजकुमार और गुरुजी उद्यायन से वापस चले जाते हैं और अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। तो सही में बच्चों, एकाग्रता, ध्यान, उसमें ही हमें सफलता प्राप्त होती है। हमें एक बार अपना लक्ष्य जो हम तय कर ले तो हमें सफलता मिल ही जाती है। तो हमें भी यही करना है कि अभी पढ़ाई अच्छे से करनी है, ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना है। हम जो यहाँ से पढ़ाते हैं वो बार बार पुनरावर्तन करके आपको वो पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है, फेयर बुक में लिखना है, पुनरावर्तन करना है। बार बार पढ़ाई से हमें वो याद रह जाता है। तो बच्चों, हम भी यही करेंगे, अर्जुन की तरह ही आज से अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं कि ये हमें करना ही है, तो हम सब इसमें ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि ये पूरा लेसन हमें समझ में आ गया है। आज ये जो 12 लेसन लक्ष्य वेदन है यहाँ पे पूरा होता है। तो उनके शब्दार्थ और बोध प्रश्न जो है वो मैं आपको PDF में भेज रही हूँ, तो वो आप लोग फेयर बुक में लिख लीजिएगा और बार बार उसकी पढ़ाई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।